हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। चलिए, कल हम लोगों ने विराट कोहली की क्या जबरदस्त इनिंग्स देखी है, बताओ जरा। हाँ की ना, क्या लगता है आपको? 160 रन्स नॉट आउट साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, मजा आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल मजा आया। अब जरा हम जो बात करने जा रहे हैं उसे बड़े ध्यान से समझना है। वैसे तो आज हमारा डे वन है, ठीक है ना, डे वन, ठीक है जी। केस स्टडी सॉल्व करनी है, डे वन है, और हम जरा इसको बड़े ही इफेक्टिव तरीके से करने वाले हैं। इफेक्टिव तरीका मतलब क्या? आज हम लोग कोहली स्टाइल, किसकी तरह? कोहली स्टाइल में हम लोग अपनी केस स्टडीज को निपटाने वाले हैं, राइट। अब बात करते हैं विराट कोहली की। क्या कमाल का बैट्समैन है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें तो, हाँ कि ना। लेकिन कोहली को इतना बड़ा बैट्समैन बनने के लिए क्या कुछ चीजों का साथ मिला होगा तभी पॉसिबल है? आप कहोगे सर बिल्कुल, अकेला तो कोई भी बंदा इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम कर ही नहीं पाएगा जब तक उसे और सारी चीजों का सपोर्ट नहीं होगा। बिल्कुल, आप कहना चाह रहे हो सर इसको जरूर अच्छा स्टाफ मिला होगा। मैंने बोला बिल्कुल मिला होगा कि नहीं मिला होगा? हाँ, बहुत अच्छे कोचेज मिले होंगे सर। मैंने बोला बिल्कुल। और सर सिर्फ कोचेज मिले होंगे या कुछ और चीजें भी? बिल्कुल सर, टाइम पर बढ़िया क्वालिटी के बैट्स मिले हैं सर, हाँ कि ना। अच्छे अच्छे पैड्स मिले हैं, ग्लव्स मिले हैं, बहुत सारे उसको फैसिलिटीज मिली है, तब जाके कोहली इतना क्लासी प्लेयर बने। मैंने बोला ये तो है, इसका मतलब कोहली का टैलेंट अकेला बेचारा किसी काम का था ही नहीं। इसका मतलब जब तक चीजों का साथ नहीं मिला कोहली बेचारा कुछ कर ही नहीं पाता, राइट। इसका मतलब सर हमें ये बताओ, कोहली को कोच की जरूरत भी पड़ी, हाँ कि ना, गाइडेंस की जरूरत भी पड़ी? बिल्कुल, गाइडेंस, कोच और साथ में मटेरियल। मटेरियल का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? अच्छी क्वालिटी के बैट्स, पैड्स, फिटनेस के लिए अलग अलग मशीन्स, क्या इन हर चीज का साथ मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल मिला। इसका मतलब कोहली भी एक कंप्लीट बैट्समैन बने दोनों की वजह से, जब उसे टाइम पर कोच मिला पहली बात, और जब उसे टाइम पर मशीन्स मिली, बैट्स मिले। अब आप कहोगे सर क्या कहना चाह रहे हो? मैं कह रहा हूं जरा सामने देखो तो समझ में आए। आज जो हमारा पहला है केस स्टडी का, वो है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बताओ हम लोग कितने पुराने, कुछ सालों से हम लोग कोहली पर इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि हम कहते हैं भाई तेंदुलकर की जगह इसने ले ली है, जो कि हम कहते हैं बिल्कुल, हाँ कि ना। अब हम लोग कोहली को क्या कहते हैं? कोहली बॉस तूने जाना है और ऐसी बैटिंग करनी है जिससे इंडिया हमेशा ही अच्छा परफॉर्म करे, मतलब तेरे को हर मैच में 100 तो मारना ही है, ये तो पक्का तू समझ। इसका मतलब हम उसे क्या दे रहे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, हाँ कि ना। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक जब तक उसको हमने पावर नहीं दिया? पावर का मतलब यहां पर अथॉरिटी है, अथॉरिटी का मतलब यह पावर टू टेक डिसीजन। अगर हम उसे पावर ना दे किसी चीज की और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते रहे कि बेटा ऐसा करिए कोहली तू हर मैच में जा और 100 मार गया, इसका मतलब सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से बात नहीं बनेगी, अथॉरिटी भी तो दो उसे, तुम इतनी पावर तो दो कि कोहली को अलाउड हो कि रात को 2 बजे भी अगर वो पिच पे जाता है और अगर वो प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसके लिए वो पिच अवेलेबल हो, लाइट्स अवेलेबल हो, हर चीज अवेलेबल हो। बिल्कुल, इसका मतलब ये प्रिंसिपल इसी तरीके से हमें गाइड करता है। किस तरीके से? कि अगर किसी बंदे को किसी भी चीज की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई समस्या नहीं है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो साथ में उसे पावर भी दो कि वो उससे रिलेटेड उसे फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करो कि उसके पास पावर होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी तो वो एग्जीक्यूट कर पाएगा। बिल्कुल, उसी हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय या किसी स्टाफ से अगर आप काम चाहते हो, उसे अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो काम की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। इसका मतलब अगर मैं कोहली के अलावा एक एग्जांपल लूं, अगर एक फैक्ट्री में एक मजदूर है, वर्कर है, उस वर्कर को आपने बोल दिया बेटा डेली ना तूने 100 चेयर्स बनानी है, कितनी डेली तेरे को 100 चेयर्स बनानी है, उसने बोला मैं बना दूंगा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़े ध्यान से सुनना, 100 चेयर्स की जिम्मेदारी उसको दे दी गई है डेली, लेकिन उसे पावर नहीं दी गई है, अथॉरिटी नहीं दी गई है, किस चीज की? कि वो कभी भी बाजार से रॉ मटेरियल खरीद सकता है, वो नए लेबरर्स को कभी हायर कर सकता है, उसे कोई पावर ही नहीं मिली हुई है, ठीक है। इसका मतलब जब तक हम उसे पावर नहीं देंगे तब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी काम की है ही नहीं। वो तो सीधा आके कहेगा भैया मैंने तो आज अपनी 100 चीजें नहीं बनाई, 100 चेयर्स का जो ऑर्डर उसने कहा था कि मैं डेली 100 चेयर बनाऊंगा, क्या वो बना पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से बात नहीं बनेगी, साथ में उसे पावर भी दो कि वो 100 चेयर्स बनाने के लिए जो जो चीजों की उसे अथॉरिटी चाहिए आप उसे वो दो, तभी एक ऐसा ऑप्टिमम बैलेंस बनाइए जिससे रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी
बैलेंस में हो, बराबर में हो, ताकि एक इफेक्टिव वे में ऑर्गेनाइजेशन अपना काम कर सके और अपने गोल को अचीव कर सके। बिल्कुल ठीक है जी, ये बात तो देखने वाली थी। मतलब बैलेंस सही है। अगर आप लोगों ने किसी को मान लो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी ज्यादा और पावर दी नहीं है उस काम को अचीव करने के लिए, तो 100% वो बंदा उस काम को अचीव कर ही नहीं सकेगा। हाँ कि ना। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा लेके जाऊं तो आप समझो जरा इस चीज को। इसका मतलब मैंने अगर किसी को पावर तो बहुत ज्यादा दे दी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई दी नहीं, अब क्या करेगा बंदा ज्यादा। मैं आपको ही कहूं ज्यादा पावर दे दूं, ज्यादा पैसे दे दूं हाथ में, अरे सर बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है ना, ज्यादा पैसे देते बेटा मेरे को पता है तुम्हारे दिमाग में कौन कौन से ख्याल आ रहे हैं। बिल्कुल, इसका मतलब पेरेंट्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कम और पावर अथॉरिटी दे दिया ज्यादा। सर अब तो हम धूम मचाने वाले हैं। इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है और पावर अगर ज्यादा है तो आप उसका मिसयूज भी कर सकते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सामने लिखी हुई बात का दोनों का एक ऑप्टिमम बैलेंस होना चाहिए। यह हमारा आज का पहला प्रिंसिपल था जो कि हम लोगों ने समझा। हाँ कि ना। चलो आओ जरा प्रिंसिपल नंबर टू की बात करें। प्रिंसिपल नंबर टू है ये, प्रिंसिपल नंबर टू है ये, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर यानी कि ऑर्डर देना मतलब कमांड। भाई साहब यहां पर इस बात का मतलब ये है ही नहीं। यहां पर ऑर्डर का मतलब कमांड नहीं है, यहां पर ऑर्डर का मतलब है ये कि विराट कोहली को टाइम पर अगर किसी से सलाह लेनी है, बिल्कुल अगर उसने कोई एडवाइस लेनी है तो उसको उस बंदे के बारे में पता दो कि वो बंदा बैठता कहां पर है, वो किस जगह पर मिलेगा। हाँ कि ना। खुद बताओ अगर एक बहुत ही क्रिटिकल मैच चल रहा है, मतलब बस इंडिया की हालत एकदम खराब चल रही है और कोहली को एडवाइस चाहिए तुरंत तुरंत 2 मिनट के अंदर उस कोच की, लेकिन भैया वो कोच को ढूंढ रहा है, कोच मिल ही नहीं रहा है क्योंकि वो जो हमारा कोच है उसकी एक परमानेंट जगह है ही नहीं, वो कभी यहां भटकता है तो कभी वहां भटकता है। बताओ क्या कोहली एडवाइस ले पाया? बिल्कुल नहीं। और एडवाइस ना लेने की वजह से इंडिया वो मैच हार गई और हम लोगों ने भी टीवी तोड़ने शुरू कर दिए। इसका मतलब यहां पर ऑर्डर का मतलब यही है कि मेन, या सिंपली मैं बोलूं तो स्टाफ, पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में बंदों के प्रॉपर एक सीट या प्रॉपर एक कैबिन्स होने चाहिए जहां पर एक सबॉर्डिनेट को, काम करने वाले को पता हो कि मेरे को अगर कोई समस्या आ गई तो मैं अपने सुपीरियर से कहां मिलूं, सुपीरियर से कैसे जानकारी लूं, सुपीरियर मेरी कैसे मदद करेगा। एक जगह तो तय होनी चाहिए। बिल्कुल, इसका मतलब मेन जो भी स्टाफ है, जो भी हमारे सुपीरियर्स हैं, उनकी एक फिक्स एक जगह, कैबिन या एक प्लेस उनकी होनी चाहिए। लेकिन सर सिर्फ क्या मेन सिर्फ लोग चाहिए होने चाहिए, ये भी तो चाहिए होने चाहिए। अब विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, बड़ी तेज की बाउंसर आई है। अब बाउंसर इतनी तेज आई है, कोहली कह रहा बॉस मैं नहीं खेल पाऊंगा। हमने बोला कोहली तू चिंता मत कर बॉस, हम तेरे लिए अब एक अलग सा पीछे से और जरा सेफ्टी वाला हेलमेट मंगा देते हैं। कोहली कह रहा मंगाओ तो मैं खेलना चालू करूं। अब एक बंदा आया और गया अंदर सामान लेने के लिए, वो भटक भटक के आ गया, उसे कोई सामान मिला ही नहीं, सामान नहीं मिला। बताओ कोहली कह रहा है भैया मैं तो ऐसे खेल नहीं पाऊंगा, मैं तो इंजर्ड ही हो जाता हूं। इंजर्ड हुआ, उसके हल्की सी चोट लगी और वो तो ग्राउंड छोड़ के अंदर आ गया। अब बताओ अगर कोहली को वो बढ़िया तरीके से वो हेलमेट मिल जाता तो कोहली खेलता रहता? बिल्कुल खेलता रहता। इसका मतलब टाइम पर मटेरियल का भी अवेलेबिलिटी होनी जरूरी है और उसके लिए भी एक फिक्स प्लेस होनी चाहिए। हमें एक जगह तो पता हो कि हाँ जी ये वो जगह है जहां पर हमारा सारा का सारा, सारा किट, सारे टूल्स, सारी चीजें एक जगह पर वहां पर पड़ी होती है। हमें बस बंदे को बोलना है बेटा रूम नंबर 27 में जा, रूम नंबर 30 में जा, वहां पर तेरे को तेरा सामान मिल जाएगा। इससे क्या हुआ? इससे टाइम वेस्ट नहीं हुआ बिल्कुल भी, और एफिशिएंसी से काम हुआ। और अगर हमें मेन या कह लो अपना सुपीरियर नहीं मिल रहा जिससे हमें जानकारी लेनी है, मान लो अगर हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं और हमें कोई सामान से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो जानकारी कौन देगा? हमारा सुपीरियर हमसे ज्यादा जानता है, वो हमें गाइड करता है टाइम टू टाइम की कोई भी अगर समस्या आ जाए तो सुपीरियर मदद करने आता है। लेकिन सुपीरियर ही नहीं मिल रहा सर, अब बताओ सबसे बड़ी समस्या तो ये होगी सुपीरियर नहीं मिल रहा, सुपीरियर को ढूंढो मिशन चालू हो चुका है। हाँ कि ना। तो उस केस में चाहे वो मेन, चाहे वो हमारे सुपीरियर्स या चाहे वो मटेरियल्स, दोनों अगर टाइम पर अवेलेबल नहीं है तो भट्टाधार होगा। ये कोई दिक्कत है तो बताओ जरा। तो ये दोनों प्रिंसिपल्स भाई हम लोग को ऐसे समझ में आते हैं, ठीक है, रटना कुछ भी नहीं है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के एक बैलेंस चाहिए, बना के चलेंगे, ठीक है जी। दूसरी बात, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, जहां पर ऑर्डर का मतलब कमांड नहीं है, ऑर्डर कवर करता है मेन को और दूसरी तरफ मटेरियल को, दोनों ही चीजें टाइम पर उनकी प्लेस उनकी जगह फिक्स होनी चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन अपने सपने को अचीव करेगी। ऑर्डर मिल गया बिजनेस को, बस ऑर्डर मिल गया और जो वो ऑर्डर लेके आया ना, तो बंदा आया जो हमें बड़ा सारा ऑर्डर देने आया, हमें उसके लिए चेयर नहीं मिल रही, उसको चेयर कैसे ऑफर करें, कहां बिठाए बेचारे को। हमने एक बंदे को बोला भाई साहब फटाफट इनके लिए चेयर लेके आओ,
वो 15 मिनट बाद आके कह रहा सर मुझे चेयर नहीं मिल रही है। अब बताओ जो पार्टी मेरे को ऑर्डर देने जाती थी वो मेरे को टाटा बाय बाय करके चली गई, क्योंकि टाइम पर क्या अवेलेबल नहीं था, मटेरियल अवेलेबल नहीं था मेरे लिए। वो चीज जो कि होनी चाहिए थी एक जगह पर, मुझे पता ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन में वो कहां पर है। इसका मतलब उसकी भी एक फिक्स प्लेस होनी चाहिए कि कल को अगर कोई क्लाइंट आता है तो प्रॉपर तरीके से मटेरियल चीजें अवेलेबल हो, ताकि कंपनी अच्छे से उन्हें ट्रीट करे और ऑर्डर्स रिसीव कर पाए। ठीक है भाई, दोनों बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? फटाफट से जरा अपनी केस स्टडी उठाते हैं, केस स्टडी नंबर वन और केस स्टडी नंबर टू। आओ जरा, वैसे तो हम लोग सारी जानकारी ले चुके हैं इसी के बेस पर, बस अब तो डिस्कशन करना बाकी है। आओ जरा नंबर वन में पढ़ देता हूं। चलो सब लोगों ने भाई साथ देना है यहां पर, ठीक है ना। भले वीडियो क्यों ना बन रही हो, भले आप लोग सब सामने क्यों ना देख रहे हो, लेकिन भाई साहब आंसर तो आप लोगों से लूंगा मैं। आओ जरा नंबर वन लिखा है। नंबर वन, इन योर स्कूल यू ऑब्जर्व दैट बुक्स आर केप्ट इन ऑफिस। ध्यान से, इन योर ऑफिस यू ऑब्जर्व दैट बुक्स आर केप्ट इन ऑफिस, चॉक्स इन द लाइब्रेरी एंड ऑफिस रिकॉर्ड्स इन द स्टाफ रूम। हर जगह देखो झोल हो रखे हैं, ध्यान से देखो स्कूल के अंदर क्या क्या हो रखे है, आपने क्या ऑब्जर्व करा है कि आपकी बुक्स पड़ी हुई हैं ऑफिस में, चॉक्स पड़े लाइब्रेरी में और ऑफिस के रिकॉर्ड्स पड़े हुए स्टाफ रूम में, हर चीज उथल पुथल जगह पे पड़ी है, हाँ कि ना? सर समझ में आ रहा है। नंबर वन है, इसमें पूछा विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज वॉयलेटेड हेयर एंड वाई। कौन सा प्रिंसिपल मैनेजमेंट का वॉयलेट हो रहा है? सर सामने सामने है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर वॉयलेट हो रहा है। पता ही नहीं कौन सा मटीरियल कहां पर पड़ा है। इसका मतलब सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहती है, ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहती है कि वो एफिशिएंसी से इफेक्टिवली काम करे, तो पहले उसे अपनी हर चीज को एक सिस्टमैटिक वे में और जिस जगह पे होनी चाहिए वहीं पर रखना चाहिए। सेकंड लिखा है, हाउ विल दैट अफेक्ट द अचीवमेंट ऑफ स्कूल ऑब्जेक्टिव्स। बिल्कुल, इन द एब्सेंस ऑफ ऑर्डर स्कूल ऑब्जेक्टिव्स विल नॉट बी अचीव्ड। बिल्कुल, हाँ कि ना? ये अभी हम लोगों ने कोहली के एग्जाम्पल से भी समझ लिया है कि टाइम पर अगर दोनों में से कोई भी चीज मिसिंग होगी तो सपना बेटा सपना ही रह जाएगा, हकीकत से उसका लेना देना ही नहीं होगा। और लिखा है, एज अ मैनेजर, थर्ड पॉइंट, व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू रेक्टिफाई दी शॉर्टकमिंग्स। इसका मतलब एज अ मैनेजर वो आपसे सलाह मांग रहे हैं कि अगर यहां पर कौन से स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे जिससे हम लोग इन बैरियर्स को रिमूव कर सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हम मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं है, मैन हो चाहे मटेरियल, दोनों के एक फिक्स प्लेस बनाओ, प्रॉपर तरीके से रैक्स बनाओ, बताओ चॉक्स का खाना ये, बुक्स जा रखी होनी चाहिए वही होनी चाहिए और ऑफिस रिकॉर्ड्स ऑफिस में होने चाहिए, उनकी प्रॉपर जगह होनी चाहिए, तभी सपना पूरा हो पाएगा, नहीं तो सपना पूरा नहीं होगा। ठीक है जी, आओ जरा क्वेश्चन नंबर टू कहूं या प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्वेश्चन है, आओ जरा देखो सामने। लिखा है, द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ एन ऑटोमोबाइल कंपनी आस्क द फोरमैन टू अचीव अ टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 200 स्कूटर्स पर डे। ठीक है जी, एक प्रोडक्शन मैनेजर ने फोरमैन से कहा है, बेटा तू ऐसा कर, क्या तू मेरे को डेली के 200 स्कूटर बना के देगा। लेकिन बट ही डिड नॉट गिव हिम द अथॉरिटी ऑफ टूल्स एंड मटेरियल्स फ्रॉम द स्टोर्स डिपार्टमेंट। लेकिन उसने उसे अथॉरिटी का मतलब क्या पावर ही नहीं दी किस चीज की, कि वो टूल्स को चेक कर सकता है या वो मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट से मंगा सकता है। हुआ क्या, कैन द प्रोडक्शन मैनेजर ब्लेम द फोरमैन इफ ही इज नॉट एबल टू अचीव द डिजायर्ड टारगेट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या प्रोडक्शन मैनेजर उस फोरमैन की खाट खड़ी कर सकता है अगर उसने 200 स्कूटर डेली नहीं बनाए। आंसर मेरे से सुनना चाह रहे हैं, आप लोग को समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होगी भाई, बड़े समझदार हो आप लोग, सुनो जरा। बिल्कुल, अगर उसे 200 स्कूटर डेली बनाने का प्रपोजल मिला है और वो बनाने के लिए तैयार है, लेकिन अगर हमने उसे पावर ही नहीं दी है, इसका मतलब 200 स्कूटर बनाने का कहने का मतलब है हमने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी है, लेकिन ना वो टूल्स देख सकता है अपने आप, ना वो रॉ मटेरियल ऑर्डर कर सकता है, तो इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी बॉस, लेकिन अथॉरिटी पावर दी नहीं। अब होगा क्या, लिखे पहली बात तो क्या बताओ, प्रोडक्शन मैनेजर कभी फोरमैन को ब्लेम कर पाएगा, खुद बताओ, आंसर इज नो। क्यों, लिखे नो, द प्रोडक्शन मैनेजर कैन नॉट ब्लेम द फोरमैन। क्यों भैया, कैसे ब्लेम करेगा, क्योंकि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, अथॉरिटी तो दी ही नहीं। इसका मतलब यहां पर सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को कभी झाड़ नहीं सकता, और सबॉर्डिनेट कहेगा बेटा तू चुप कर, तूने मेरे को सारा का सारा बर्डन तो डाल दिया, लेकिन तूने उस चीज को कंप्लीट करने के लिए पावर कहां दी। बिल्कुल, और अगली बात लिखी है, बस यही लिखा है, इन केस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ज्यादा पावर दोगे तो मिसयूज भी हो सकती है, और अगर सिर्फ और सिर्फ बर्डन ही डालते रहोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते रहोगे, तो बात बनने वाली नहीं है, साथ में पावर भी तो दो उसे वो काम अचीव करने की। 100 नंबर लाएंगे हर जगह भाई, जब भी रिलेटिव में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, पेरेंट्स तो आजकल तो भाई
बेटा पढ़ो 100 नंबर लाने 100 नंबर लाने 100 नंबर लाने ये सुन सुन के तो भैया हाँ की ना 100 नंबर ही हो चुके हो आप लोग, और 100 नंबर लाने हैं। आपके पेरेंट्स क्या कहेंगे, बेटा हम लोगों ने तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कितने नंबर लाने की, 100 नंबर लाने की। लेकिन क्या पेरेंट्स ने अथॉरिटी दी है? भाई बहुत दी है। वाईफाई कनेक्शन लेके दी है वीडियोस देखने के लिए, बिल्कुल। ट्यूशन ज्वाइन कराई है, अच्छे अच्छे स्कूल्स में डाला है। खुद बताओ, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ पावर भी दिया कि आप उस चीज को कैसे अचीव कर सको, हाँ कि ना? बिल्कुल। और अगर बेटा नंबर नहीं आए ना यहाँ पर, तो पेरेंट्स खाट खड़ी करेंगे और जो पिटाई होगी वो तो अलग होगी, हाँ कि ना? ठीक है भाई, तो बस यहाँ पर ये वाली बात हमारी बहुत बैलेंस में है। हमारे पेरेंट्स हम लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देते हैं, एट द सेम टाइम हमें क्या कहते हैं कि बेटा अब तो सिक्स मारने का समय आ गया है, बस बस कोहली की तरह आप लोग को ही खेलना है। भाई देखो क्या खतरनाक बैटिंग कर रहा है आजकल, बस अब आपकी परफॉर्मेंस की बारी है, अब आप बच नहीं सकते। सर टाइम कम है, वो कम है, अरे कुछ भी कम नहीं है भाई। आज डे वन है हमारी बिजनेस की वीडियो का, कल डे टू है, फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। आराम से कोहली की बैटिंग एंजॉय करते हो, जरा केस स्टडी एंजॉय कर लो। चलो भाई, ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, बाय बाय।